अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं समीउल्लाह खान और आप देख रहे हैं ये लंबी चौड़ी बस। और आप हैरान होंगे कि इस दौर में ऐसी बस कहां से आ गई। तो दोस्तों, ये पंजाब में नहीं है, ये कराची में है। अब हम आपको खिड़की से बाहर का नज़ारा करवाते हैं ताकि आप कराची की रौनकें देख लें। हम सोहराब गोट पे उतरे हैं और खान कोच में बैठे हैं ताकि हम केमाड़ी जा सकें और आपको एक 300 साल पुराने जजीरे की सैर करवा सकें। जज़ायर न सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि दुनिया भर में टोटल 327 जज़ायर हैं और दुनिया के 17 तरक्की याफ्ता ममालिक ऐसे हैं जो कि जज़ायर पर ही मुश्तमिल हैं। अगर किमाड़ी के करीब इन दो जज़ायर की बात की जाए तो एक का नाम भिट है और दूसरे का नाम बाबा आइलैंड है। और बाबा आइलैंड इसका नाम कैसे पड़ा, ये बहुत दिलचस्प कहानी है जो हम आपको आगे चलकर बताएंगे। सफ़र का आगाज़ हो चुका है और आपको अब हम समंदर दिखाते हैं। ये देखिए, अब हम पुल के ऊपर से गुजर रहे हैं। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान और सिंध में टोटल 12 जज़ायर हैं जिन पे मौजूद आबादी का 99% प्रोफेशन फिशरमैन यानी कि माहीगिरी है। बाबा आइलैंड की एक खूबसूरत बात यह है कि यहाँ अकलौता पुलिस स्टेशन है जिसकी पुलिस ने कभी गश्त नहीं की, लेकिन हैरान कन बात है कि पिछले 15 सालों में यहाँ कोई FIR भी दर्ज नहीं हुई। अब इस लंबी गाड़ी का नज़ारा करें, देखें कितनी खूबसूरत पोशिश है और कितनी लंबी ये गाड़ी है, लेकिन खाली है। और ये कंडक्टर साहब जो हैं पैसों से खेल रहे हैं, लोगों को पैसे बकाया दे रहे हैं, आपको दोबारा गाड़ी दिखा रहे हैं। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए और पोशिश की रंगदार जो सीटें उनका मज़ा लीजिए। हैरान कन बात यह है इस जजीरे की कि यहाँ 35 साल पहले एक कत्ल की बात सुनी थी हमने कि कत्ल हुआ, उसके बाद यहाँ कोई ऐसी बात नहीं हुई। इस जजीरे का जो लिटरेसी रेट है वो 1% है और आबादी जो है 13,000 है बाबा आइलैंड की। यहाँ पहला सेकेंडरी स्कूल 2011 में अपडेट होके बना था। आप साथ खड़े लोगों को भी देख सकते हैं और सामने आपके जो इमारतें हैं ये यहाँ की बुलंदोबाला इमारतों में शामिल हैं जो कि कराची का हिस्सा हैं। 13,000 पॉपुलेशन है बाबा आइलैंड की। 2018 में यहाँ के स्कूल में टोटल 400 बच्चे पढ़ते थे और यहाँ हाल ही में 200 साल बाद पहला मैट्रिक का बैच क्लियर हुआ है। सामने आपको PNSC की बिल्डिंग नज़र आ रही है और इस बिल्डिंग के साथ ही नीचे नेटी जेटी के पुल के नीचे एक खूबसूरत मंदिर है जहां किसी ज़माने में इबादत की जाती थी, पंडित किया करते थे। अगर इन दो जड़वा जज़ायर की बात की जाए और उन पर रूहानी शख्सियात की बात की जाए तो कासिम शाह बुखारी और सैयद हाजी इब्राहिम शाह यहाँ की रूहानी शख्सियात हैं। पानी पर मौजूद इन जजीरों में पीने का पानी आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, पानी खरीद कर पिया जाता है। कराची से यहाँ तक एक लाइन बिछाई गई थी लेकिन उसका पानी भी अब यहाँ तेल के जो जहाज खड़े हैं उनको बेच दिया जाता है और यहाँ की आबादी 120 रुपये पर बैरल या 400 से 500 पर वाटर ड्रम खरीदने पर मजबूर है। लीजिए दोस्तों, हमारा सफ़र अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है और अब हम बैठेंगे किमाड़ी की बंदरगाह से बाबा आइलैंड की तरफ। और ये देखें, ये बंदरगाह है, ये बच्चा यहाँ बैठा है। यहाँ से तकरीबन 100 से 150 रुपये लेते हैं और वो आपको बाबा आइलैंड ले जाते हैं और वहाँ से अगर आपने मनोड़ा जाना हो तो फिर दोबारा पैसे भरने पड़ते हैं। और यहाँ की जो जेटियाँ हैं जिनके ज़रिए यहाँ से मुसाफिर उतरते चढ़ते हैं, जो जेटी बाबा आइलैंड पर मौजूद है उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये देखें, इसे जेटी कहते हैं जिसके ज़रिए हम कश्ती में बैठेंगे पानी में उतर के। अब हमारी कश्ती चल पड़ी है और ये आपको जो जहाज़ खड़े नज़र आ रहे हैं उसमें से कुछ ख़राब हैं और कुछ जो हैं हुकूमत के हैं। जो जहाज़ इसके इजाफी खड़े हैं इसके अलावा वो उन लोगों के हैं जो किराए नहीं दे सके, तेल की कीमत अदा नहीं कर सके। ये आसमान का मंज़र देख लीजिए, देखिए कितना खूबसूरत मंज़र है, बादल किस तरह नज़र आ रहे हैं पानी के ऊपर। मैंने तो ये सीन पहली दफ़ा देखा है तो मुझे तो इसने काफ़ी अट्रैक्ट किया है। ये देखें, ये सब रंग का जहाज़ खड़ा है। तो ये मेरे ख्याल में यहाँ के बंदरगाह के लोगों का, पोर्ट के लोगों का, यानी कि जो यहाँ की इंतज़ामी है। ये देखें, ये सामने कश्ती आ रही है तो ये जो है मनोड़ा की तरफ से आ रही है और हमारा सफ़र जो है अब बाबा आइलैंड की तरफ जारी और सारी है। देखें किमाड़ी भी इस कश्ती पर लिखा हुआ है और ये जाहिर सी बात है आपको बता दिया कि इसी पोर्ट की इंतज़ामिया की है। तो ये जहाज़ खड़े हैं यहाँ से तकरीबन 12 बजे, अगर मुफ्त आपने जाना हो तो ये मनोड़ा की तरफ जाती है और वहाँ से कमोबेश 2:30, 3, 4 बजे ये वापस आती है। फ्री में लेके जाते हैं, फ्री में लेके आते हैं और ये सफ़र महफूज होता है। लेकिन हमने सफ़र प्राइवेट पे करना था क्योंकि हमने बाबा आइलैंड जाना था।
देख लें ये कितनी देखें, ये साथ 11 भी लिखा हुआ है। ये टायर पता नहीं क्यों बांधे गए हैं, आसमान आपके सामने है या आपको हमारा ही हाथ नज़र आ रहा है ताकि हम गिर ना जाएं, क्योंकि शूटिंग के साथ साथ जो है हम सफ़र से भी लुत्फ़ानंदोज़ हो रहे हैं और अपनी हिफाजत भी हमने करनी है। अगर तारीख दानों की बात की जाए तो एक तारीख दान है ईडब्ल्यू ह्यूज़, वो लिखते हैं सिंध में मछली का शिकार मुसलमान माहिगीर ही करते थे जिनकी कराची में अक्सरियत थी। सिंध के समंदरी जो किनारे हैं इधर से पकड़ी जाने वाली मछली की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और एक और डॉक्टर हैं FD, वो कहते हैं कि यहाँ से जो मछली पकड़ी जाती है वो 160 किस्मों की है, जिसमें रोगनी मछलियाँ और टोना फिश का वो बहुत ज़िक्र करते हैं डॉक्टर साहब। इस विला के अगले हिस्से में आपको हम भाइयो नाम के एक माहिगीर की दिलदोज़ कहानी सुनाएंगे। जिस जज़ीरे की कहानी आप सुनना चाह रहे हैं वह गुरबत अफलास के सिवा कुछ नहीं है। कराची की तारीख के एक मुहक्किक थे गुल हसन कलमती, उनकी एक किताब है सिंध के समंदरी जज़ायर, उसमें लापता होने वाले समंदरी जज़ायर, माहीगीरों के वसाइल और समंदरी ज़मीन पे कब्ज़े की दास्तान वो सुनाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पानी पीने का नहीं है, खेल के मैदान नहीं है। लीजिए दोस्तों, आप बाबा आइलैंड पे पहुँच चुके हैं और ये सामने खड़ी मस्जिद आपको नज़र आ रही है। बाबा आइलैंड की गलियाँ और इंटरव्यू का अगला पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। बाय बाय।